हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं 2019 में रिलीज होने वाला लिहाब द क्विल्ट मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी को IMDb से 6.7 रेटिंग्स मिले हैं और 84% लोगों ने लाइक भी किया है। तो स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है इस्मत चुगताई से, जो एक राइटर है और उसे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है। तो इस्मत अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश थी अपने पति और छोटी सी बेटी को लेकर। लेकिन एक दिन इस्मत के घर इंस्पेक्टर आते हैं और वो इस्मत को कुछ सामान देते हैं, जो पढ़ने के बाद इस्मत को पता चलता है कि इस्मत पर फायरसी का इल्जाम लगाया गया है उसकी एक किताब लिहाब के लिए, जो पढ़ने के बाद इस्मत वो सामान लेने के लिए मना कर देती है। तो इंस्पेक्टर समझाता है इस्मत को कि ये लेना पड़ेगा उसको, और शाहिद भी समझाता है इस्मत को। वैसे मैं बता दूं, शाहिद इस्मत का पति है, लेकिन तब भी इस्मत मना कर देती है। फिलहाल ये सब जब वहाँ पे हो रहा था, तभी वहाँ पे मोहसिन आता है, जो एक लॉयर है, और मोहसिन वो कागज पढ़ने के बाद इस्मत को साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन इस्मत फिर भी मना कर देती है। फिर भी मोहसिन उसे साइन करने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर इस्मत साइन नहीं करती तो उसको जेल हो जाता। तो फिलहाल मोहसिन की बातें सुन के इस्मत उस कागज पे साइन कर देती है। तो फिलहाल रात को मोहसिन, शाहिद और इस्मत जब बैठे थे, तब मोहसिन इस्मत को समझाता है, क्योंकि इस्मत की एक छोटी सी बच्ची है, जो सुनने के बाद इस्मत मोहसिन को चुप करा देती है। तो फिर मोहसिन वहाँ से चला जाता है, और मोहसिन के जाने के बाद शाहिद इस्मत को सुनाता है। तो इस्मत तब बताती है कि वो बाकी लड़कियों जैसे नहीं है, और अगर शाहिद को अपनी फैमिली की इज्जत की इतनी ज्यादा परवाह थी तो उसने इस्मत से शादी क्यों किया, क्योंकि इस्मत कैसी है इस बारे में उसको पहले से ही पता है। तो आगे इसी बात को लेके दोनों में बहस होता है, और फिर शाहिद बताता है कि अगर इस्मत ऐसे ही रही तो उन दोनों की शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, और ये बोल के शाहिद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि इस्मत एक फेमस राइटर थी, तो अगले दिन यह खबर अखबार में छप जाता है। तो शाहिद ये बात इस्मत को बताता है, और फिर इस्मत के ससुराल से एक चिट्ठी आती है, जिस चिट्ठी में इस्मत के ससुराल वालों ने उसे बहुत ज्यादा सुनाया था। अब क्योंकि शाहिद इस्मत पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए इस्मत पहले शाहिद को मनाती है। तो आगे जब शाहिद शांत हो जाता है, तभी मोंटो कॉल करता है और इस्मत को उससे मिलने के लिए बुलाता है। वैसे मैं बता दूं, मोंटो भी एक राइटर है, और वो अपनी राइटिंग के जरिए लोगों को आईना दिखाता है। तो फिलहाल कहानी में आगे जब इस्मत और शाहिद मोंटो से मिलने जाते हैं, वहाँ पे मोंटो शाहिद को समझाता है कि इस्मत को जेल नहीं होगा, लेकिन कोर्ट के बहाने उनको लाहौर घूमने का मौका मिल जाएगा। कहानी में आगे 1994 की स्टोरी दिखाते हैं, जब लाहौर की कोर्ट में इस्मत के केस की सुनवाई होती है, और तभी इस्मत हम व्यूअर्स को लिहाब की स्टोरी बताती है। तो 1922 की अलीगढ़ में जब इस्मत बहुत ज्यादा छोटी थी, तो पहली बार इस्मत ने बेगम को देखा था उनकी शादी पर, लेकिन शादी के बाद नवाब बेगम को टाइम ही नहीं देता था। तो एक दिन बेगम को पता चलता है कि नवाब बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि नवाब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके ख्याल रखते हैं, जो जानने के बाद बेगम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एक अच्छा पति मिला था। तो कहानी में आगे एक तरफ बेगम बस अपने रूम में बैठ के किताबें पढ़ती रहती है, और दूसरी तरफ नवाब बाहर अपना काम करता था। तो एक दिन जब बेगम हवेली से बाहर घूमने के लिए निकली थी, तो नवाब बेगम को देख के उसे हवेली में रहने के लिए बोलता है और बाहर आने के लिए मना कर देता है। तो बेगम हवेली में वापस चली जाती है। तो आगे बेगम को बस हवेली में ही रहना पड़ता है, जहाँ पर बेगम बहुत ज्यादा अकेली थी, क्योंकि नवाब बस बेगम को शादी करके लाया था और उसको हवेली में बंदी बना के रखा था। तो बेगम बस दिन भर किताबें पढ़ती रहती थी और किसी से बात तक नहीं करती थी। अब क्योंकि नवाब ने बेगम के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, और नवाब बेगम के पास कभी आता भी नहीं था, तो इसलिए बेगम नवाब पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन वो ये बात किसी को कह नहीं सकती थी। तो फिलहाल कहानी में आगे एक दिन बेगम की तबीयत खराब हो जाती है, तो नवाब एक डॉक्टर को बुलाता है, जो नवाब को एक मालिश वाली रखने के लिए बोलते हैं, ताकि बेगम की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और बेगम के बॉडी में जो दर्द है वो भी कम हो जाए। तो फिलहाल कहानी में आगे एक मालिश वाली आती है, जिसका नाम था रब्बो। तो रब्बो जब बेगम की बॉडी में मालिश कर रही थी, तब बेगम रोती रहती है और रब्बो को बताती है कि किसी ने कभी उसको हाथ नहीं लगाया, और ये बोल के बेगम रोती रहती है। तो आगे रब्बो मालिश करते हुए बेगम की बॉडी की तारीफ करती है, क्योंकि बेगम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन तब भी बेगम उससे खुश नहीं होती है।
तो फिर रब्बो बेगम की उंगलियों को किस करती है, जिससे बेगम खुश हो जाती है। और कहानी में आगे जब बेगम खाना खाने जाती है, तब नवाब उससे पूछता है कि वो कैसी है, जो सुन के बेगम कुछ भी नहीं कहती है। फिर आगे बेगम रब्बो से बात करती है क्योंकि वो उसकी हमदर्द बन चुकी थी। कहानी में आगे इस्मत की माँ आगरा जाने वाली थी, इसलिए वो इस्मत को हवेली में छोड़ के जाती है बेगम के पास। तो इस्मत जब हवेली में जाती है तो वो पूरा हवेली घूम घूम के देखती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन फिर एक दिन बेगम नवाब को पूछती है कि उन्होंने शादी ही क्यों किया था, जब उनको बेगम की कोई जरूरत ही नहीं है। जो सुनने के बाद नवाब टॉपिक चेंज कर देता है, जो सुन के बेगम गुस्सा हो जाती है और नवाब को सुना के वहाँ से चली जाती है। और फिर रात को बेगम, रब्बो और इस्मत गेम खेलते हैं, जहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जरूर बेगम और रब्बो के बीच कुछ है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कुछ अलग नजर से देखते हैं और टच भी करते हैं। फिलहाल तीनों खाना खा के सो जाते हैं। अब क्योंकि इस्मत बेगम के कमरे में सोई थी, तो आधी रात को जब उसकी आँख खुलती है, वो देखती है बेगम की लिहाफ बहुत ज्यादा ऊंचा हो गई है, जो देख के छोटी सी इस्मत को ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई हाथी हो। और वो देख के इस्मत बहुत ज्यादा डर जाती है और बेगम को बुलाती है, तो तभी बेगम का लिहाफ ठीक हो जाता है। और फिर बेगम इस्मत को सो जाने के लिए बोलती है, जो सुन के इस्मत सोने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ देर बाद इस्मत फिर से वही चीज देखती है, जो देख के इस्मत बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बेगम को कहती है उनके पास सुलाने के लिए, जो सुन के बेगम मना कर देती है और इस्मत को चुपचाप सो जाने के लिए बोलती है। फिलहाल प्रेजेंट में इस्मत यही कहानी बताती है हम व्यूअर्स को, और कोर्ट में उसकी सुनवाई खत्म हो जाती है। तो जज उसे 5 नवंबर की डेट देता है। फिलहाल कुछ दिन बाद इस्मत जब बॉम्बे में अपने घर में थी, तब उसके घर कुछ चिट्ठियां आती है। तो इस्मत जब वो चिट्ठियां पढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उन चिट्ठियों में इस्मत के लिए बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां थी। तो इस्मत उन चिट्ठियों को साहिद से छुपा के एक जगह पे रख देती है, ताकि साहिद को पता ना चले। लेकिन फिर इस्मत साहिद के पास बैठ के रोने लगती है, तो साहिद उसको संभालता है। फिलहाल कहानी में आगे इस्मत मोंटो से मिलने जाती है उसके घर, तो वहाँ पर दोनों बात करते हैं और हंसते रहते हैं। और वहीं पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इस्मत को मर्द और औरत का फर्क समझ नहीं आता है, क्योंकि इस्मत को लगता है एक मर्द दोस्त भी हो सकता है, हमदर्द भी हो सकता है, पति भी हो सकता है और रफीक भी हो सकता है। तो मोंटो इस्मत से पूछता है कि वो किस कैटेगरी में आता है, जो सुन के इस्मत बताती है कि उन दोनों के पेशाएं सेम है। और ये बात सुन के दोनों हंसते रहते हैं। और फिर इस्मत मोंटो को लाहौर आने के लिए बोलती है, तो मोंटो कहता है कि वो जाएगा। अब क्योंकि शायद बिजी था शूटिंग में, तो वो लाहौर नहीं जा सकता था इस्मत के साथ, और इसलिए इस्मत जाती है उसके बड़े भाई की एक दोस्त के घर, जिसका नाम था असलम। वैसे मैं बता दूं, असलम भी एक फेमस राइटर है। तो इस्मत असलम के घर जाते ही उससे लड़ने लग जाती है, क्योंकि असलम इस्मत की कहानियों को गंदा बोल रहा था, जो सुनने के बाद इस्मत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके कहानियों में गंदा जैसा कुछ नहीं था, जबकि असलम की कहानियों में बहुत ज्यादा एडल्ट वर्ड थे। और फिर असलम बताता है कि इस्मत एक लड़की है, तो वो कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख सकती है, लेकिन असलम एक मर्द है तो वो कुछ भी लिख सकता है, जो सुन के इस्मत और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और असलम को बताती है कि वो कुछ भी लिख सकती है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। और फिर इस्मत बताती है कि उसे पता नहीं था लिहाफ लिखना एक गुनाह है, लेकिन इस्मत जो भी देखती है वो एक कैमरा की तरह कैप्चर कर लेती है, और फिर उसका कलम उसके हाथों में बेबस हो जाता है। और फिर आगे इस्मत हम व्यूअर्स को लिहाफ की स्टोरी बताती है। जब एक दिन रब्बो और बेगम चेस खेल रहे थे, तब इस्मत वहाँ पे बैठी थी, लेकिन चेस खेलने के बाद जब बेगम नहाने जाती है, तब रब्बो बेगम को अलग नजर से देख रही थी, तो ये देख के इस्मत को अजीब लगता है। लेकिन फिर रात को इस्मत फिर से वही चीज देखती है, और उसको लगता है कि बेगम के लिहाफ में एक हाथी जैसा कुछ है, तो वो देख के इस्मत बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर सो जाती है। तो फिलहाल कहानी में आगे जब रब्बो बेगम की मालिश कर रही थी, तब बेगम रोमांटिक किताबें पढ़ रही थी, तो वो सब बातें सुन के दोनों ही हंसने लगते हैं। तो फिर आगे जब एक दिन रब्बो बेगम की मालिश कर रही थी, तभी बेगम के रूम में नवाब आता है, और वो बेगम को दावत खाने में आने के लिए बोलता है, क्योंकि उनके रिश्तेदार आए थे, और ये बोल के नवाब वहाँ से चला जाता है। और फिर बेगम रेडी होकर दावत खाने में जाती है, तो वहाँ पे नवाब बेगम की तारीफ करता है सबके सामने। लेकिन वहाँ पे रिश्तेदार पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में बात किए जा रहे थे, और उनका पति उनको कितना प्यार करता है और उनके ख्याल रखता है वो भी बोल रहे थे, जो सुन के बेगम गुस्सा हो जाती है, क्योंकि नवाब तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है और बेगम ये बात किसी को बता भी नहीं सकती है, इसलिए बेगम सबके सामने नवाब की इंसल्ट करके चली जाती है। तो नवाब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो बेगम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी बेगम गुस्से में रूडली बिहेव करके चली जाती है। तो आगे रब्बो आके बेगम को समझाती है कि उन्होंने सही नहीं किया था नवाब को सबके सामने जलील करके,
और इसीलिए रब्बो बेगम को माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, जो सुनने के बाद बेगम नवाब के पास जाती है और नवाब से माफ़ी मांगती है और नवाब को बताती है कि रब्बो ने उसकी गलती का एहसास कराया है और इसीलिए वो माफ़ी मांग रही है, जो सुन के नवाब और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि बेगम की लाइफ में रब्बो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और यही बात नवाब बेगम को बताता है, जो सुन के बेगम बताती है कि रब्बो उसके दिल के करीब है और इसीलिए वो रब्बो की बात सुनती है, लेकिन नवाब ने कभी उससे बात करने की कोशिश तक नहीं किया। जो सुन के नवाब हंसते हुए कहता है कि जरूर कुछ बात है जो उनको नहीं पता, तो ये बात सुन के बेगम वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी में आगे एक दिन रब्बो बेगम को बताती है कि उसे घर जाना है क्योंकि उसका बेटा खाला को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। जो सुन के बेगम बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और रब्बो को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि रब्बो के अलावा उस हवेली में बेगम का कोई नहीं था, तो रब्बो बेगम को समझाती है कि वो बस 2 दिन में आ जाएगी और ये बोल के रब्बो वहाँ से चली जाती है। तो बेगम बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और इस्मत को रब्बो की ये बात हवेली में खाना बनाने वाली बताती है, जो सुनने के बाद इस्मत बेगम के पास आती है, लेकिन वो देखती है कि बेगम सब पर गुस्सा कर रही है क्योंकि किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बेगम के बॉडी में दर्द हो रहा था और इसलिए बेगम बहुत ज्यादा सैड थी। और ये देखने के बाद इस्मत जाती है बेगम के पास और बेगम को कहती है कि वो उनकी बॉडी की मालिश कर देगी, जिसके लिए बेगम राजी हो जाती है। तो आगे इस्मत बेगम की बॉडी की मालिश करती है और तब बेगम इस्मत से पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तो इस्मत बताती है कि उसे नए कपड़े चाहिए। तो ये सुन के बेगम जब दूसरी तरफ लेटती है तो इस्मत का हाथ गलती से कहीं और टच हो जाता है, जिससे बेगम खुश हो जाती है, लेकिन अपने आप को वो कंट्रोल कर लेती है और वो देख के इस्मत को अजीब लगता है। फिलहाल प्रेजेंट डे में इस्मत कोर्ट जाती है जहाँ सुनवाई होता है, जहाँ लॉयर एक आदमी से पूछता है कि कौन सा वर्ड फारसी है जो कि किताब में लिखा गया है, तो वो आदमी बताता है कि कौन सा वर्ड फारसी है, लेकिन जज को वो वर्ड फारसी नहीं लगता है और यहीं पे सुनवाई खत्म हो जाती है। और फिर घर आके इस्मत जब खाना खा रही थी तब असलम उसे माफी मांगने के लिए बोलता है और सबके सामने ये एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है कि लिहाफ एक गंदा किताब है और ऐसा करने से केस भी खत्म हो जाएगा। जो सुनने के बाद भी इस्मत अड़ी रहती है और असलम को बताती है कि अगर सच में उसकी किताब गंदा है और उसकी किताब लोगों को बिगाड़ रही है तो उसे सजा जरूर होनी चाहिए। जो सुनने के बाद असलम फिर से इस्मत को माफी मांगने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन इस्मत फिर भी कहती है कि वो माफी नहीं मांगेगी और इसलिए दोनों फिर इस बारे में बहस करते हैं और फिर खाना खाते हैं। अब क्योंकि अगले दिन मोंटो और इस्मत जल्दी कोर्ट पहुंच गए थे, इसलिए मोंटो थोड़ा बाहर जाता है और तब एक आदमी आता है और इस्मत को गंदा बोल के चला जाता है, जो सुन के इस्मत को बुरा लगता है, लेकिन फिर वो हम को लिहाब की स्टोरी बताती है। जब बेगम इस्मत को अलग तरीके से देख रही थी तो इस्मत को वो चीज बहुत अजीब लगा था, लेकिन फिर कहानी में आगे एक दिन बेगम इस्मत को गंदे तरीके से टच करती है जिससे इस्मत बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर बेगम इस्मत के साथ जबरदस्ती करती है तो इस्मत किसी तरीके से वहाँ से भाग जाती है। और फिर इस्मत बेगम से बचने के लिए पूरा दिन किचन में रहती है। अब क्योंकि इस्मत बहुत ज्यादा घबरा गई थी तो एक औरत इस्मत से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, जो सुन के इस्मत कहती है कि उसे घर जाना है। जो सुन के वो औरत इस्मत को हवेली में रहने के लिए बोलती है क्योंकि कुछ ही दिनों में इस्मत की माँ आगरा से वापस आने वाली थी। कहानी में आगे बेगम इस्मत को अपने साथ खाना खाने के लिए बोलती है तो इस्मत वहाँ पे बहुत डर डर के खाना खाती है और फिर बेगम इस्मत को बुलाती है एक औरत के जरिए से, लेकिन इस्मत बहाना बना के बाहर ही रहती है। और फिर जब सोने का वक्त होता है तो इस्मत चुपके से बेगम के रूम में आती है। अब क्योंकि बेगम तब सो गई थी तो इस्मत बिना आवाज के रूम में आती है और अपने जगह सो जाती है। और अगले दिन जब इस्मत बाहर घूम रही थी तो बेगम आके उसको अंदर लेके जाती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड था और अगर इस्मत को कुछ हो जाता तो उसकी माँ आके उसको सुनाती। फिलहाल इस्मत जब हवेली के अंदर थी तो वो देखती है रब्बो वापस आ गई है, जो देख के इस्मत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बच गई थी। लेकिन फिर जब इस्मत बेगम के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि बेगम रब्बो से लड़ रही है क्योंकि वो लेट आई थी और बेगम को ये भी लगता है कि रब्बो फिर से चली जाएगी उसे छोड़ के, और इसलिए बेगम रब्बो से बहुत ज्यादा नाराज थी और रब्बो बेगम को मना रही थी। तो वो सब चीज देख के इस्मत बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और फिर रात को बेगम इस्मत को एक कमरे में लेके जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, जो देख के इस्मत बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर बेगम इस्मत के सामने अपने कपड़े बदलती है और फिर जब बेगम इस्मत के पास आती है तो इस्मत बताती है कि उसे घर जाना है। तो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है, तो बेगम जब दरवाजा खोलती है वो देखती है रब्बो को, और रब्बो कमरे के अंदर इस्मत को देख के समझ गई थी कि बेगम को अब इस्मत पसंद आ गई है। फिलहाल बेगम जब इस्मत को एक हार देती है तो इस्मत रूडली बिहेव करके वहां से
चली जाती है तो बेगम रोती रहती है क्योंकि सब उससे दूर हो जाते हैं और उसको नफरत करते हैं। तो रब्बो संभालती है बेगम को। और दूसरी तरफ इस्मत वहाँ से भाग के सीधा किचन में जाती है तो वहाँ पे जो खाना बना रही थी वो इस्मत को देख के परेशान हो जाती है। लेकिन फिर रात को इस्मत वही चीज देखती है जो देख के इस्मत को लगता था कि बेगम की लिहाफ के अंदर हाथी जैसा कुछ है। लेकिन वो चीज देख के इस्मत इस बार डरने के बजाय ठान लेती है कि वो जान के रहेगी कि वहाँ पर क्या है, और इसीलिए इस्मत चुपके से लाइट जलाती है। लेकिन फिर इस्मत जो देखती है वो उसके लिए भूलने लायक नहीं था क्योंकि उसको पता चल गया था रब्बो और बेगम रोमांस करते थे, और यही सब चीजें इस्मत अपनी किताब लिहाफ में लिखती है। फिलहाल प्रेजेंट डे में कोर्ट में सुनवाई होती है, तो कोर्ट में जब इस्मत का लॉयर एक आदमी से पूछताछ कर रहा था ताकि वो आदमी कोर्ट को बता सके कि इस्मत की कहानी में ऐसा क्या है जिससे उस पर फारसी का इल्जाम लगाया गया है, तो तब वो आदमी इस्मत को गंदा बोलता है सबके सामने, जो सुन के इस्मत अच्छे से जवाब देती है उस आदमी को। लेकिन फिर इस्मत के पास एक आदमी आता है और वो इस्मत को माफी मांगने के लिए बोलता है, और उसके बदले वो आदमी इस्मत को बहुत ज्यादा पैसा देगा ये भी बोलता है, जो सुन के इस्मत मना कर देती है। तो वो आदमी चला जाता है और फिर जज सबकी बात सुनने के बाद ये राय देता है कि लिहाफ में कोई गंदगी नहीं है और इसीलिए इस्मत पर फारसी का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन फिर जज बताता है कि मोंटो के किताब में बहुत ज्यादा गंदगी है, जो सुन के इस्मत बताती है कि मोंटो बस लोगों को आईना दिखाता है अपने राइटिंग्स के जरिए। तो फिलहाल वो केस वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन फिर सारे लोग इस्मत चुगताई के नाम पर मोर्चा निकालते हैं और इस्मत को अच्छे से बदनाम करते हैं, लेकिन उससे उन लोगों को कुछ भी फायदा नहीं होता है, और यही पे मूवी खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं ये एक ट्रू स्टोरी है, और इस्मत चुगताई इंडिया की सबसे ब्रेव और फियरलेस राइटर थी जिनको पद्मश्री भी दिया गया था। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और वीडियो के नीचे कमेंट करना भी मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।